Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we will be starting with lesson number 18, which is the environment and the us. Now what relation can you find out between the environment and between us? सबसे पहले आपको पता है environment होता क्या है? See, the place that you live, जहाँ पे आप रह रहे हो, उसके आसपास का जो भी स्पेस है, okay? उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट. ओके, और आपने सुना होगा अगर हमारा एनवायरमेंट सही नहीं होगा, अगर गंदा होगा तो व्हाट विल हैपन? वी कैन फॉल सिक, है ना. सी सपोज आई विल टेल यू व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरमेंट एंड अस. ओके, अब सपोज दिस इज द एनवायरमेंट. एक आई विल गिव यू टू एग्जांपल्स. एक एनवायरमेंट जो है वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है, एवरीवेयर यू कैन सी दैट देयर इज ग्रीनरी. ठीक है, हर जगह आपको ग्रीनरी दिखेगी. एक एनवायरमेंट ऐसा होगा जहाँ आपको सिर्फ गार्बेज दिखेगा या तो फिर ट्रैश दिखेगा, जो कचरा दिखेगा. ठीक है, ये दो टाइप का एनवायरमेंट आप देख सकते हो अपने आजू बाजू में. नाउ दिस इज द टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरमेंट एंड अस? अगर ग्रीनरी है आपके एनवायरमेंट में तो यू विल गेट प्योर ऑक्सीजन एंड यू विल गेट प्योर एंड फ्रेश एयर, राइट. पर अगर आपके आपके एनवायरमेंट में हर जगह गार्बेज है, हर जगह ट्रैश है, तो इन दैट कंडीशन यू विल सी कि आपको कैसा एयर मिलेगा. यू विल गेट इम्प्योर एयर. इम्प्योर एयर तो मिल रहा है पर साथ में ही यू विल फॉल सिक एंड यू विल गेट वेरियस डिजीजेज. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कचरा और डिजीज से लेना देना क्या है, राइट. नाउ जो गार्बेज है, सपोज दिस इज द एनवायरमेंट वेर यू आर लिविंग. यहाँ पे कचरा है, यहाँ पे कचरा है, बारिश हो रही है, रेनी सीजन है. ठीक है, अब ये कचरे में वॉट विल हैपन? गार्बेज में पूरा पानी आके स्टोर होगा एंड आपको पता है मलेरिया के जो मच्छर होते हैं, राइट, मॉस्क्यूटोज, मलेरिया, देन डेंगू, टाइफॉइड, ये सारी चीज़ें क्यों होती है? बिकॉज ऑफ वी ईटिंग द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. एंड वो कंटामिनेट कैसे होंगे? अगर आपका एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, हर जगह पर गार्बेज है, हर जगह पर ट्रैशेज है, तो वॉट विल हैपन? यहाँ पर ये रिप्रोड्यूस करेंगे एंड द नंबर ऑफ द मॉस्क्यूटोज विल ग्रेजुअली इंक्रीज बिकॉज आप उनको कंडीशन दे रहे हो. वैसा यू आर प्रोवाइडिंग द मॉस्क्यूटोज द कंडीशन दैट इज नीडेड फॉर मल्टीप्लाइंग देम. हम गंदगी रख रहे हैं बिकॉज ऑफ द गार्बेज एंड द ट्रैश दैट आर देयर योर एंड देयर. तो मॉस्क्यूटोज ग्रो करेंगे, दे विल कंटेमिनेट द फूड. अगर आपने गलती से खाना खुला रख दिया, मॉस्क्यूटोज विल कम एंड सिट ऑन इट. ठीक है, अब आपका खाना कंटेमिनेटेड हो गया एंड यू विल ईट दैट. जब आप खाओगे तो यू कैन गेट डेंगू, यू कैन गेट मलेरिया, यू कैन गेट टाइफॉइड. सो दिस इज द रिलेशनशिप दैट वी हैव विद द एनवायरमेंट एंड अस. सो इफ यू विल कीप योर एनवायरमेंट क्लीन, if you will plant more and more trees, if you will keep your environment everywhere, if there will be greenery, you will get pure air or pure oxygen, you will feel fresh, you will have a good day. But if there is garbage and trash around your environment, one thing, you will not get pure air, you will get impure air. Because of the garbage and the trash that are being accumulated at one place, what will happen? There will be various diseases because of which वो एरिया में सब लोग बीमार पड़ सकते हैं. अभी जैसे कोविड आया है, कोविड जो है वो वर्ल्ड वाइड है, राइट, हर जगह पर हुआ है. पर बिकॉज अगर कोई एक ऐसा एरिया है, सपोज ये एरिया है, इसको मैंने नाम दे दिया साईनाथ नगर. ओके, दिस इज साईनाथ नगर और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा है, ये एरिया पूरा गंदा है, एवरीवेयर गार्बेजेस आर थ्रोन. तो ये जो एक स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक डिजीज फैल सकती है कि ये जो एरिया है यहाँ पे सारे लोगों को मलेरिया हो रहा है, सारे लोगों को डेंगू हो रहा है. ओके, तो ऐसे डिजीजेस भी फैल सकती है. तो द एनवायरमेंट एंड अस, वी बोथ हैव अ क्रूशियल रिलेशनशिप. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. Now, with the help of questions below, explain what will happen if the forests are cleared on large scale. Forests are cleared. अब वो clear कैसे होंगे? If we are cutting down the forest, then only the forest will get cleared, right? तो क्या होगा अगर forest large scale पे हमने काट दिए तो? See, because there will be no greenery,
ग्रीनरी नहीं रहेगी तो क्या होगा, यू विल नॉट गेट ऑक्सीजन. प्लांट्स आर आर ग्रीन फ्रेंड, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अस. वाई यू कैन सर्वाइव टूडे, बिकॉज द प्लांट्स आर गिविंग यू ऑक्सीजन. इफ दे विल स्टॉप गिविंग यू ऑक्सीजन, यू विल बी नॉट एबल टू ब्रीद, एंड वॉट विल हैपन, इवेंचुअली यू विल डाई. सो कटिंग डाउन द फॉरेस्ट इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर एनी ऑफ द प्रॉब्लम. कुछ भी प्रॉब्लम होने दो, फॉरेस्ट को कट करना इज नॉट द सोल्यूशन फॉर दैट. ओके, नाउ कैन यू टेल मी, will the water and the food source for living things grow or it will dwindle? Why? If you will cut down the forest, तो जो living thing का खाने का और पानी का source है वो बढ़ जाएगा या वो कम हो जाएगा, and क्यों होगा ऐसे? See, अगर deforestation होगा large scale पे, deforestation का मतलब ही क्या है? Deforestation means if the forests are cleared, okay? तो अगर deforestation large scale पे हुआ तो देर विल बी डिक्रीज इन द वॉटर एंड द फूड सोर्सेज फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. वाई? बिकॉज द फूड चेन विल बी डिस्टर्ब्ड, द रेन फॉल लेवल एंड द ग्राउंड वाटर लेवल विल ऑल्सो डिक्रीज. यू नो वन थिंग, एक फूड चेन फॉलो होती है हमारे एनवायरमेंट में. यू नो हाउ? सी, सपोज दिस आर द प्लांट, ये प्लांट्स है. प्लांट्स को किसने खा लिया? या ग्रास है, प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया. ग्रास हॉपर को किसने खाया? ग्रास हॉपर विल बी ईटन बाय एनी ऑफ द बर्ड. बर्ड को किसने खाया? बर्ड को स्नेक खा सकते हैं, राइट? स्नेक को कौन खाता है? स्नेक को ईगल खाते हैं. और ईगल क्या हो जाते हैं? इनको कोई नहीं खाता, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, इनके ऊपर फंगस लगते हैं, एंड फिर से ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, दिस इज नॉट देयर फॉर योर सिलेबस, पर यू शुड नो दिस फूड चेन दैट अकर्स इन आर इको सिस्टम. बिकॉज हम एनवायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो अबाउट इट, राइट? तो ये जो ईगल है ना, ईगल को खाने वाला कोई नहीं होता. ईगल का क्या होगा? इफ द ईगल विल डाई, उसके ऊपर बहुत सारे फंगस आ जाएंगे. यू हैव सीन फंगस, व्हाइट और ग्रीन कलर के फंगस होते हैं, तो वो फंगस धीरे धीरे ईगल को खाएंगे, एंड वॉट विल हैपन, ईगल जो है वो पूरा मिक्स हो जाएगा सॉइल के साथ. ओके, एंड अब जब वो ईगल सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा तो उस पर क्या होगा? प्लांट्स ग्रो करेंगे. सो दिस इज द फूड चेन और द फूड साइकिल दैट गोज ऑन. तो अगर हमने फॉरेस्ट ही कट कर दिए, मतलब प्लांट्स को ही कट कर दिया, तो ग्रास हॉपर को अपना खाना कहाँ से मिलेगा? तो ग्रास हॉपर विल डाई. ग्रास हॉपर को खाना नहीं मिला, दे हैव डाइड. अब बर्ड्स का खाना क्या था? ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर ही नहीं है तो व्हाट द बर्ड विल इट, है ना? तो बर्ड विल इवेंचुअली डाई. अब बर्ड डाई हो गई तो व्हाट द स्नेक विल इट? स्नेक भी खत्म हो गया तो व्हाट द ईगल विल ईट? ओके, तो ये पूरा फूड चेन विल गेट डिस्टर्ब्ड अगर हमने डिफॉरेस्टेशन किया, अगर हमने फॉरेस्ट कट करना चालू कर दिया. एंड सी, यू माइट बी थिंकिंग फूड का तो समझ रहा है, देर इज अ फूड चेन, बट व्हाट हैपेंस विद द वॉटर? अब आपने वॉटर साइकिल के बारे में सुना हुआ है. वॉटर साइकिल भी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्लांट्स, राइट? इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, एंड दैट इज हाउ द वाटर साइकिल फिर से क्लाउड में जाता है, क्लाउड से फिर से ग्राउंड पे आता है, राइट? इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल. तो दैट विल इवेंचुअली, द वाटर साइकिल विल इवेंचुअली गेट डिस्टर्ब्ड, जिससे क्या होगा? फूड की कमी हो गई, बिकॉज फूड चेन खराब हो गया है, एंड वाटर में ग्राउंड लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल वो भी डिक्रीज हो जाएगा, एंड वी विल नॉट गेट वाटर ऑल्सो. सो वी शुड नॉट कट डाउन द trees and we should not clear the forest. Okay, now will the living thing look for shelters elsewhere or they will stay on and buy? See, the living thing that are present in the forest, they obviously, if you are cutting down the forest, they will migrate elsewhere. Migrate करना मतलब क्या? Suppose this is the forest area जहाँ पे वो पहले रहते थे. Now because the forest has been cut down, वो यहाँ से दूसरे जगह चले जाएंगे, and that can be a residential area. Residential area मतलब जहाँ पे हम रहते हैं. Okay, तो forest से वो यहाँ पे आ जाएंगे, because आपने उनका forest जो है वो cut कर दिया, right? तो उनको अपने खाने के लिए, अपने पानी के लिए, रहने के लिए, they will search and they will migrate to सम अदर प्लेस. बिकॉज क्यों वो जाएंगे दूसरे जगह पर? बिकॉज देयर शेल्टर हैव बीन लॉस्ट. ओके, अंडरस्टूड वाई वी शुड नॉट क्लियर द फॉरेस्ट. नाउ अनदर क्वेश्चन इज, विल द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई द प्लांट्स एंड एनिमल्स विल इंक्रीज और विल इट डिक्रीज? अब प्लांट्स एंड एनिमल्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो बढ़ जाएगा या वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड इसका रीजन क्या है? सी, डीफॉरेस्ट्रेशन, आई होप टिल नाउ यू आर क्लियर. डीफॉरेस्ट्रेशन मतलब क्या? क्लियरिंग द फॉरेस्ट, कटिंग डाउन द फॉरेस्ट. ठीक है, तो डीफॉरेस्ट्रेशन के वजह से प्लांट्स का जो शेल्टर है
है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो शेल्टर होगा वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो जो बैरन स्पेस होगा, बैरन स्पेस क्या होता है? बैरन स्पेस मतलब ये वाले स्पेस पे देर विल बी नो प्लांट एंड नो एनिमल. तो ये बैरन स्पेस बढ़ जाएगा. एंड वॉट विल हैपन, बट द स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड बाई द लिविंग थिंग विल डिक्रीज. राइट, लिविंग थिंग जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं दैट विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ दिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल द नंबर ऑफ लिविंग थिंग इंक्रीज और डिक्रीज. लिविंग थिंग का नंबर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? वी सॉ दिस दैट डिफॉरेस्टेशन के बाद में क्या होगा, नंबर ऑफ लिविंग थिंग विल डेफिनेटली डिक्रीज, है ना, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन चला गया तो उनका फूड साइकिल चला गया. बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर शेल्टर, दे आर नॉट हैविंग फूड टू इट, दे आर नॉट हैविंग वाटर. वो अपने हैबिटेट को लूज कर चुके होंगे, उनका घर आपने उनसे छीन लिया होगा. राइट, सो ऑब्वियसली द लिविंग थिंग का नंबर विल डिक्रीज. ओके, सो वी शुड नॉट कट डाउन फॉरेस्ट और वी शुड नॉट क्लियर फॉरेस्ट. ठीक है, नाउ सी डिफॉरेस्ट्रेशन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर टॉपिक जो लोगों को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर दिस रीजन दिस हैज़ बीन इंक्लूडेड इनटू योर सिलेबस, ताकि आप लोगों को समझा सको कि वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स एंड यू नो कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स कितने इंपॉर्टेंट है. राइट, सो इफ यू विल नो यू कैन गाइड अदर्स दैट डू नॉट कट डाउन द ट्रीज, दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, दे प्रोवाइड अस फ्रूट, दे प्रोवाइड अस वेजिटेबल. Right, we can tell them. So see, the population of the world is now close to 600 crore. World ka population kitne close hai? 600 crore. Now man is developing new technology to meet the needs of all these people and is using up more and more land and water resources for this purpose. See what is happening. Aapko pata hai ye jo land area hai, hamara land increase hota hai kya? लैंड इंक्रीज नहीं होगा, पर नंबर ऑफ पीपल जो लैंड के ऊपर रह रहे हैं दैट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ये सारे लोग रहेंगे कहाँ पे? एंड फॉर दैट रीजन व्हाट पीपल आर डूइंग, दे आर कटिंग डाउन द फॉरेस्ट एंड दे आर मेकिंग देयर फ्लैट्स, बिल्डिंग्स, बंगलोज देयर. राइट, एंड दिस इज नॉट राइट. तो अभी हमारा जैसे जैसे नीड्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे न्यू टेक्नोलॉजीज मैन डेवलप कर रहा है एंड हम ज्यादा से ज्यादा पानी एंड लैंड को यूज कर रहे हैं. राइट, ओपन स्पेसेस आर रिक्वायर्ड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल फॉर एग्रीकल्चर, हाउसिंग, इंडस्ट्री एंड फॉर बिल्डिंग द रोड्स एंड रेलवेज. अब अगर आपको एग्रीकल्चरल कोई भी एक्टिविटी करनी है, कोई भी क्रॉप को ग्रो करना है, दैट टाइम यू नीड अ लार्ज स्पेस. अगर आपको खुद का घर बनाना है, दैट टाइम यू ऑल्सो रिक्वायर एन ओपन एंड लार्ज स्पेस. इंडस्ट्री के लिए भी वी नीड एन ओपन स्पेस. देन रोड्स एंड रेलवेज बन रहे हैं, उसके लिए भी वी नीड अ बिग स्पेस एंड दैट शुड बी ओपन स्पेस. राइट, इस ये सारे रीजन के वजह से, बिकॉज दे नीड एग्रीकल्चर, दे नीड हाउसिंग, वी नीड इंडस्ट्री, वी नीड रोड्स, वी नीड रेलवे, वी नीड मेट्रोस, ये सारे रीजन के वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं. एंड हम ये सारा फॉरेस्ट का जो स्पेस है we are using for this agricultural, housing, industry purposes. And as I told you, cutting down the forest is not the solution to the problem. Because population to phir bhi increase hota jayega, to hum kya karenge? Sare forest ko hi cut karte jayenge kya? No, we should not do that. Otherwise, forest nahi honge, plants nahi honge. Plants nahi honge, oxygen nahi milega, khana bhi nahi milega, right? So we should not cut them. See, marshy or low-lying areas, they are filled to reclaim the land. अभी जो मार्शी और लो लाइंग एरियाज होते हैं उनको भी क्या किया जाता है, उसको भी फिल कर दिया जाता है ताकि वो लैंड ले सके. राइट, ये मार्शी और लो लाइंग एरियाज में मोस्टली ग्रासेस एंड प्लांट्स ग्रो होते हैं, बट वी नीड रोड, वी नीड रेलवेज, वी नीड टू ट्रैवल. राइट, दैट इज द रीजन कि हम जहाँ पे भी जगह मिल रहा है वी आर बिल्डिंग द रोड, वी आर बिल्डिंग द रेलवे, विच इज नॉट गुड. ओके, सी रेलवेज, अभी यहाँ पे भी पूरा ये फॉरेस्ट एरिया था, उसमें बीच में ही क्या कर दिया गया, रेलवे ट्रैक बना दिया गया. तो द एनवायरमेंट दे प्रोवाइड शेल्टर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग. आर एनवायरमेंट इज प्रोवाइडिंग शेल्टर्स टू वेरियस लिविंग थिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट, एनवायरमेंट हमसे कुछ मांग रहा है क्या? इट इज नॉट आस्किंग अस एनीथिंग. सो कांट वी गिव देम द राइट टू स्टे? कांट वी गिव देम द राइट टू बी क्लीन? है ना, वो आपसे कुछ भी नहीं ले रहा है इन रिटर्न, ही इज जस्ट प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग लाइक योर मम्मा एंड पापा डू फॉर यू. राइट,
तो वी शुड ऑल्सो हेल्प देम इन रिटर्न, राइट? सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, एंड ये फॉरेस्ट में सिर्फ प्लांट्स ही नहीं होते हैं, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स, जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स का नेस्ट भी कहाँ पे होता है, इट इज़ ऑन द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट, राइट? सो दैट विल ऑल्सो गेट ब्रोकन डाउन, सो वी शुड नॉट कट डाउन फॉरेस्ट एरियाज. See, animals like the bear, deer, monkey, elephant, tiger, they all live in the forest. That is, they find a shelter in the forest. आपने कभी monkey को बाहर घूमते हुए देखा है क्या? नहीं. By chance कभी एक दो बार दिख गया तो दिख गया. Bear को देखा है, deer को देखा है? नहीं. Because their home is the forest area, इसलिए वो कभी वहाँ से बाहर आते ही नहीं है. But if you will cut down the forest, you will see कि road के ऊपर आपको सारे एनिमल्स दिखेंगे, एंड दैट विल नॉट बी सेफ फॉर अस, राइट? सो ऑल देयर नीड्स दे आर मेट इन द फॉरेस्ट इटसेल्फ, एंड इफ द फॉरेस्ट आर रिड्यूस्ड, बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो डिप्लीटेड. बायोडाइवर्सिटी मतलब, सी, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन, बायो मतलब लिविंग थिंग, ठीक है? डाइवर्सिटी मतलब क्या? वेरिएशन. एंड बायो मतलब क्या? लिविंग थिंग. तो लिविंग थिंग के अंदर जो वेरिएशन है उसको ही हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी हमारी अगर हमने फॉरेस्ट को रिड्यूस कर दिया तो. एंड दैट इज़ द रीज़न टू हैव द बायोडाइवर्सिटी, वी शुड नॉट कट डाउन द फॉरेस्ट. ओके, नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर एंड टेल मी, इफ अ डैम इज बिल्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, वॉट चेंज विल बी सीन इन द एनवायरमेंट? क्या आप देखोगे कि आपके जो एनवायरमेंट है डैम के आसपास का एरिया, उसमें आप क्या चेंजेस देखोगे? सी वॉट विल हैपन, यू नो, अगर आपने डैम बिल्ड कर दिया तो डैम के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ डैम. ठीक है, एक टर्बाइन होता है, दैट दिस इज ऑल इन द हायर लेवल, दिस इज जस्ट अ जर्नल नॉलेज. सिंस दिस इज यूज योर ब्रेन पावर क्वेश्चन, आई एम टीचिंग यू. ओके, डैम के थ्रू एक एडवांटेज आई टेल यू कि हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं. तो आपने देखा होगा दिस इज़ द डैम, उसके आसपास ऐसे ऐसे करके जो खंबे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हैव यू सीन? हाँ, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का खंबा होता है, एंड जो डैम जब फ्लो करता है ना उसका पानी, वो फ्लो से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. ओके, अब जब डैम, अब ये तो उसका हो गया पॉजिटिव थिंग. नेगेटिव थिंग अबाउट बिल्डिंग अ डैम इज, आप जितने एरिया में डैम को बिल्ड करोगे, यू विल हैव टू कट डाउन द फॉरेस्ट एट दैट एरिया. तो उतने एरिया का फॉरेस्ट चला गया. ओके, फिर वो जो डैम का पानी है उसको फ्लो होने के लिए भी आपको बहुत सारा ये करना पड़ेगा. एंड डैम जहाँ पे होगा, ऑब्वियसली बात है, देर विल बी मेनी थिंग दैट विल बी देयर, इलेक्ट्रिकल थिंग्स होंगे विच विल नॉट बी गुड फॉर अस. सो बिल्डिंग अ डैम कैन give us a problem, but it also provides us a solution of electrical problems. Okay, now see what the earth is telling you. Help me, I am in danger because of the wrong habits people do it to me. You know about global warming? सबको पता है global warming के बारे में. हमारा ozone layer है. Okay, this is the earth. Suppose this is the earth. Earth के यहाँ पे एक ozone layer होता है which is protecting us from the harmful UV rays which is given by the sun to us. Okay, तो ये ozone layer में भी hole हो रहा था because of the global warming. Global warming हो रहा क्यों है? Because of the air pollution. Why the air pollution is occurring? Because of the wrong habits that the people are following. अब लोगों को अगर small distance travel करना है, then also they will take their car and they will go. They will not walk or they will not use their bicycles to go. They will use their vehicle and they will go, right? फिर हम industries से इतना ज़्यादा air pollution cause कर रहे हैं, factories इतना ज़्यादा air pollution cause कर रहे हैं, and this all thing is leading to global warming which is not good for our earth, and earth is asking help from us. So will you help your earth? Yes, we will help, right? Now can you tell me, time and again we hear news of certain animals and plants facing the threat of extinction. What do you mean by extinction? That the entire species of the plants and animals, they have been died. आपने सुना है अभी सिर्फ टाइगर, सिर्फ दो तीन टाइगर्स ही बचे हुए हैं. It means what? The tigers are extincting. Extinction मतलब क्या? खत्म होना. कुछ animals ऐसे हैं जो खत्म हो चुके हैं. Now we cannot see any of the animals like them. तो वैसा ही है ये. Okay.
So reasons for the threats are also given. You have to collect such news items and you have to fill in that information in the following chart and you have to display it in your class. You have to write the name of the animal or the plant which have been extincted. मतलब वो खत्म हो चुके हैं या सिर्फ एक दो animals ही बचे हैं. You have to write the name of those animals or plants. अब obviously बात है, if the plants and animals were there, they might be useful to us in some or the other way. तो अब उनके खत्म होने के बाद कुछ तो इल इफेक्ट्स हमें फेस करना पड़ेगा, कुछ तो डिफिकल्टीज हमें फेस करना पड़ेगा, राइट? सो यू हैव टू राइट द डिफिकल्टीज दैट यू विल फेस इफ द प्लांट एंड एनिमल्स दे आर गेटिंग एक्सटेंटेड एंड यू हैव टू राइट द रीजन विच इज गिवन इन द न्यूज व्हाई द एनिमल और द प्लांट दे हैव एक्सटेंशन थ्रेट. वो क्यों खत्म हो रहा है, रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन, बिकॉज वॉट इज द रीजन ऑफ देयर एक्सटेंशन. यू हैव टू राइट द रीजन विच इज गिवन इन द न्यूज. ओके, now the deforestation ke baad and another threat to our environment is pollution. Pollution is a big threat which is there and we should try to overcome pollution. Okay, you have seen how water sources get polluted if the waste water is let into them without processing. aapko pata hai abhi suppose this is the river. okay, ye river area hai aur log kya kar rahe hain, they are washing their clothes. They are making the animals bath in the river. They are taking bath in the river itself. They are throwing the waste into the river as well. तो सारी चीज़ें वो यहाँ पर ही कर रहे हैं. तो that is causing water pollution and don't you think saving water is our responsibility? Because जैसे हम oxygen के बिना नहीं रह सकते, हम पानी के बिना भी तो नहीं रह सकते. Now in the picture you will see that ये factory दिख रही है आपको picture में, this is the factory. अब फैक्ट्री दो टाइप के पोल्यूशन कॉज कर रही है. कैन यू नेम, वन इज एयर पोल्यूशन एंड द अदर वन इज वाटर पोल्यूशन. नाउ यू माइट बी थिंकिंग एयर पोल्यूशन तो समझा, बट हाउ द वाटर पोल्यूशन इज कॉज बिकॉज ऑफ द फैक्ट्रीज. तो एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, यू कैन सी द स्मोक दैट दे आर एमिटिंग आउट इन द एनवायरमेंट, है ना. ये जो स्मोक निकल रहा है फैक्ट्रीज से, दैट इज हार्मफुल एंड हैजार्डियस फॉर आर हेल्थ. इसलिए आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्री एरिया होता है, फैक्ट्री इज नेवर नियर टू योर होम, और वो कभी पास में नहीं होता. जहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं वहाँ पे नहीं होता फैक्ट्री, हमेशा एकदम अंदर जहाँ पे एक भी घर ना हो वैसी जगह पर होता है. बिकॉज द हार्मफुल गैस दैट दे आर एमिटिंग इज वेरी हार्मफुल एंड हैजार्डियस फॉर अस. वी कैन गेट वेरियस इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस बिकॉज ऑफ दिस गैसेस. ओके, तो एक पॉल्यूशन द फैक्ट्रीज आर कॉजिंग इज एयर पॉल्यूशन एंड द अदर टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज द वाटर पॉल्यूशन. अब फैक्ट्रीज से जैसे ये हार्मफुल एयर निकल रहे हैं, वैसे ही हार्मफुल वाटर भी रिलीज होता है. ओके, एंड वॉट डू द फैक्ट्रीज डू, दे जस्ट रिलीज द हार्मफुल वाटर इन टू द रिवर सो दैट ऑल द वाटर गेट्स मिक्सड विद द रिवर. अब बिकॉज फैक्ट्रीज ने यह गंदा पानी रिवर में रिलीज कर दिया है, इनडायरेक्टली वॉट विल हैपन, वी विल कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस रिवर वाटर एंड वी विल गेट डिजीजेज, वी विल बिकम सीक एंड इट विल नॉट बी गुड फॉर अस. एंड पूरा पानी जो है वो वेस्ट होगा ना. वाई वेस्ट हुआ, क्योंकि यह हार्मफुल है, पूरा हार्मफुल केमिकल्स पानी में रिलीज हुआ एंड ये पानी हर जगह है. तो इट मीन्स the whole water is wasted, we cannot drink that water. So for this the government has asked the factories, government ne factories and industries owner ko bola hua hai ki jab bhi aap water release karoge factory se river ke andar, aapko uska processing karna hai, jo bhi harmful substances hai uske andar you have to remove that, you have to make the water good and then only you can release it. theek hai, fir bhi abhi tak kuch aise factories hai jo aise hi release kar dete hain and they don't clear up the harmful materials from that. okay, so we should take care ki jo bhi factory owners hai ya aapke aas pass jo bhi factories hogi, just check whether how they are releasing the water into the river or where they are releasing, are they releasing the clean water or how. okay, now see, the waste water is also given out from the factories into their surrounding. this is how they release. see, these are black color, right? black hai, iska matlab pure chemicals hai, harmful substances hai and unhone ye water bodies mein release kar diya jo directly hum tak aata hai shayad.
ओके सो इफ द वाटर फ्रॉम सच पोल्यूटेड सोर्सेज कीप सोकिंग इन द सॉइल, अब ये क्या हो रहा है, कुछ वाटर जाके सॉइल में भी सोक हो रहा है ना, मिट्टी के अंदर भी कुछ वाटर जाके एक्यूमुलेट कर जाता है. तो यहाँ पे अब सॉइल के थ्रू क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन भी हो गया एक तरह से. यहाँ पे तीन टाइप के पोल्यूशन दे दिए फैक्ट्रीज ने हमें, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन. तो अभी अगर ये वाटर सॉइल के अंदर जाके सोक कर रहा है तो वॉट विल हैपन, सॉइल के ऊपर कौन ग्रो करता है, प्लांट्स. प्लांट्स को कौन खाते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, राइट. तो ये हमने खा लिया. अब अगर ये हार्मफुल वाटर ये सॉइल में आया था, उस पर वो सॉइल पे प्लांट ग्रो किया है कैसे, तो द सॉइल विल बिकम इनफर्टाइल. ओके, इनफर्टाइल मतलब उस पर प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, पर अगर वो ग्रो करता भी है एंड इफ वी और अदर एनिमल ईट्स द प्लांट, वॉट विल हैपन, वी आर ईटिंग द ट्रेसेस ऑफ दिस हार्मफुल केमिकल्स विच आर देयर इन द वॉटर, राइट. तो इनडायरेक्टली ये हमारे पास भी, हमारे पास ही आ गया है ना. तो वी शुड सी टू इट, बिकॉज कोई भी कैसे भी पॉल्यूशन कर रहा है, हु इज गोइंग टू सफर एट लास्ट, इट इज वी ह्यूमन बींग्स हु आर गोइंग टू सफर. ओके, सो वी शुड ऑलवेज टेक केयर दैट वी डू नॉट रिलीज दिस हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द वॉटर. एंड यू माइट हैव सीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं, दे विल टेक ऑल देयर गार्बेज फ्रॉम देयर होम एंड दे विल जस्ट पुट इट इन द वॉटर. सो यू शुड स्टॉप दोज पीपल फ्रॉम पुटिंग दोज वेस्ट इन टू द वॉटर. ओके, अब देखो, एग्रीकल्चर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना, बिकॉज हमें इससे अपना खाना मिल रहा है. बट यू नो, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, लार्ज स्केल में क्वांटिटी में क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, वी यूज दिस केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड दिस पेस्टिसाइड्स. केमिकल फर्टिलाइजर्स हम क्यों यूज करते हैं, सो दैट द प्लांट विल ग्रो फास्ट. ओके, तो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं क्योंकि प्लांट्स को भी कुछ कुछ डिजीज हो जाता है, पेस्ट अटैक हो सकता है, एंड फॉर दैट रीजन वी यूज दिस पेस्टिसाइड्स. ठीक है, ताकि हमारा एग्रीकल्चरल यील्ड अच्छा हो. तो व्हाट माइट हैपन कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स व्हिच आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, इट मे गो सीप इनटू द सॉइल, एंड क्या होगा, सॉइल में जाने के बाद ये रिवर के अंदर फ्लो करेगा विद द रेन वाटर. रेन वाटर मतलब जो बारिश का पानी आएगा उनके साथ ये मिक्स हो जाएगा, एंड ड्यू टू सिवरल सच रीजंस वाटर एंड सॉइल बोथ गेट्स पोल्यूटेड. तो यहाँ पे दो टाइप का पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन. दिस इज डेंजरस फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग देयर. तो वहाँ पे जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं उन दोनों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. तो वी शुड स्टॉप डूइंग ऑल सच थिंग्स. ओके, देयर नंबर रिड्यूसेस एंड इवेंचुअली दे डाई आउट ऑल टुगेदर, दैट इज दे बिकम एक्सटेंट. नाउ आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि द टाइगर इज बिन एक्सटेंट, अभी सिर्फ एक टाइगर बचा है, दो टाइगर बचा है, या अभी ये प्लांट खत्म हो चुका है. वी डोंट गेट सच प्लांट्स नाउ. सो वॉट इज द रीज़न बिसाइड दैट, द रीज़न इज वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, दिस आर द ओनली रीज़न. एंड वाई इट इज हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच इज हार्मिंग द एनवायरमेंट, राइट. नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू. You are harming the environment in so many ways. Can you tell me any one way, जैसे कि आपको environment harm कर रहा है. See, that is a natural disaster, एक आप बोल सकते हो कि the environment harms us. पर natural disaster भी क्यों आता है पता है, because of all such activities that we do. नेचर के पास भी तो एक कैपेसिटी है ना, सारी चीज़ों को देखने की, सारी चीज़ों को हैंडल करने की. इफ़ अगर वो कैपेसिटी हमने उसकी ख़त्म कर दी तो who will suffer? नेचुरल डिजास्टर आएगा, फ्लड आएगा, फिर अर्थक्वेक आएगा. दिस ऑल थिंग्स अकर बिकॉज ऑफ अस ओनली, बिकॉज वी आर मेकिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, राइट. सो वी शुड नॉट डू ऑल सच थिंग्स. नाउ कैन यू टेल मी वॉट कुड बी द रीजन्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन का रीजन आर द फैक्ट्रीज, ओके, इंडस्ट्रीज एंड द वेहीकल्स दैट वी यूज. नाउ यू माइट बी थिंकिंग वेहीकल्स कैसे हो गए. सी, वेहीकल को चलाने के लिए वी नीड वॉट, वी नीड पेट्रोल, वी नीड डीजल, वी नीड केरोसिन एंड वी नीड मैनी अदर थिंग्स, राइट. तो ये जब पेट्रोल डीजल बर्न होता है ना, दैट टाइम दे रिलीज ब्लैक स्मोक. यू माइट हैव सीन दैट फ्रॉम द वेहीकल्स, ब्लैक कलर का स्मोक एमिट होता है पीछे से. सो दैट ऑल्सो कॉजेज एयर पॉल्यूशन. ठीक है, सो वॉट आर द डिफरेंट पर्पसेस फॉर विच फ्यूल सच एज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, कोल एंड वुड आर यूज. फॉर वॉट पर्पसेज डू यू यूज सच थिंग्स. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तो समझ गया, वी यूज इन आर वेहीकल. केरोसिन हम लाइट के लिए यूज करते हैं. नेचुरल गैस
ऑल्सो दे आर यूज इन सम और दी अदर वे. कोल पता है आपको, कुछ रेलवेज है, ट्रेन्स है, वहां पे हमें कोल को बर्न करना पड़ता है. यू माइट हैव सीन पहले के जमाने में शायद ये ट्रेन चलती थी एंड ऊपर से ऐसे ब्लैक ब्लैक धुआं आता था बिकॉज द कोल यूज टू बी बर्न, है ना. वुड तो हम इतने सारे जगह पर यूज कर रहे हैं, फर्नीचर्स में, पेपर बनाने के लिए, एंड वी आर यूजिंग. हाँ, और हमें पेपर चाहिए, फॉर दैट वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज एज वेल. तो हमें पेपर भी वेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज पेपर कहाँ से बन रहा है, वी आर गेटिंग द पेपर फ्रॉम द वुड इटसेल्फ, राइट. सी, फ्यूल इज यूज इन ऑल होम्स. हम सबके घर में फ्यूल यूज होता है, राइट. बिसाइड देर आर बिग इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इन विच द फ्यूल इज यूज इन ग्रेट क्वान्टिटीज. अब जो फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज होते हैं वो ग्रेट क्वान्टिटी में इस फ्यूल्स को यूज करते हैं, मतलब एकदम लार्ज क्वान्टिटी में. ओके, तो अब जब ये यूज कर रहे हैं, आई टोल्ड यू जब फ्यूल बर्न करेगा, वेन द फ्यूल विल बर्न दे विल एमिट आउट हार्मफुल गैसेस. ठीक है. नाउ व्हाट कैन यू सी हियर इन इन द पिक्चर, टू वुमेन्स दे आर जस्ट कवरिंग देयर नोज. अब ये नोज क्यों कवर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द स्मोक. कैन यू सी द स्मोक, एंड ये स्मोक आ रहा कहाँ से है, इट इज कमिंग फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड द इंडस्ट्रीज, राइट. सो दिस स्मोक दे आर नॉट गुड फॉर आर हेल्थ, दे आर पॉइजनस गैसेज विच आर स्पाउटिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज. ये जो फैक्ट्रीज के ऊपर ऐसे ऐसे लगा होता है ना जिससे स्मोक बाहर आता है, इनको हम बोलते हैं चिमनीज. ओके, सो द फैक्ट्रीज दे आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज कॉजिंग एयर पॉल्यूशन. ओके, आफ्टर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज कम्स द व्हीकल. ओके, सो ऑन द अदर हैंड, ऑन वन हैंड, ट्रिमेंडियस क्वान्टिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर द एयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल. अब जब हम फ्यूल को बंद करते हैं, जैसे हमने पेट्रोल डीजल को बंद किया, तो व्हाट हैपेंस, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एयर के अंदर. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड, ड्यू टू लार्ज स्केल डीफॉरेस्ट्रेशन, डीफॉरेस्ट्रेशन मतलब ड्यू टू द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट, द नंबर ऑफ द ट्रीज विच आर अवेलेबल फॉर एब्जॉर्बिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्विंडलिंग. ड्विंडलिंग मतलब क्या, इज डिक्रीजिंग. ओके, सी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जब हम फ्यूल को बंद कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल को बंद कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारा CO2 रिलीज हो रहा है. एंड हम सबको पता है कि प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए CO2 की ज़रूरत होती है, राइट. तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि CO2 रिलीज हो रहा है. बट ऑन दी अदर हैंड हम क्या कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रीज तो अब बहुत कम हो गए, एंड द अमाउंट ऑफ CO2 दैट इज अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट इज इंक्रीजिंग. CO2 ज़्यादा है एंड उसको कंज्यूम करने के लिए ट्रीज नहीं है. ओके, सो दिस इज द सिचुएशन दैट इज अकरिंग, एंड एज अ रिजल्ट यू कैन से दैट द प्रपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज राइजिंग कंटिन्यूसली. तो एयर के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है. ओके, वेन द प्रपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विल राइज, वॉट विल हैपन, हमारे एनवायरनमेंट, हमारा जो वेदर है उसका टेम्परेचर विल इंक्रीज. जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, सी जब CO2 का लेवल इंक्रीज होगा तो हमारे एटमॉस्फियर का टेम्परेचर इट विल आल्सो इंक्रीज. ओके, वी सी सच अ टेम्परेचर राइज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड बिसाइड्स व्हेन फ्यूल्स आर बर्न इन व्हीकल्स, जब हम व्हीकल्स के थ्रू फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो वो पॉइजनस गैसेस देते हैं एज वेल एज स्मोक्स एमिट करते हैं, राइट. ब्लैक कलर का स्मोक यू माइट हैव सीन विच कम्स फ्रॉम द व्हीकल, दैट आर स्मोक दैट इज नॉट गुड फॉर अस एंड दैट इज कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, है ना. इंडस्ट्रीज ऑल्सो लेट आउट सम पॉइजनस गैसेज इन टू द एयर. तो इंडस्ट्रीज के थ्रू कुछ नहीं, बहुत सारे पॉइजनस गैसेज एयर के अंदर रिलीज होते हैं, एंड दिस लीड्स टू एयर पॉल्यूशन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. तो अभी तक आपको समझ गया होगा कि एयर पॉल्यूशन हो रहा कैसे है. इट इज अकरिंग बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज, it is occurring because of the factories, it is occurring because of the vehicle, right. So these are the main reasons, because the air pollution is caused because of such reasons, right. Now can you tell me, you can see a food chain in the picture above, right. Abhi maine aapko bataya tha, I'll just make the food chain here, theek hai. Ye food chain ya food cycle aap isko bol sakte ho. So this is the food chain that is being followed. Okay, just have a look. ये है ग्रास,
ग्रास मतलब प्लांट्स हो गए, ठीक है। ग्रास को कौन खाता है? दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके, दिस इज द बेसिक थिंग विच यू शुड नो। ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को कौन खाता है? बर्ड। बर्ड को कौन खाता है? स्नेक। स्नेक को कौन खाता है? ईगल। ईगल ईगल को कौन खाता है? कोई नहीं खाता है, तो इस पे फंगस लगता है, ओके, फंगाई लगेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन प्रोसेस। तो आई राइट यर दे गेट डीकम्पोज, ठीक है। ईगल जो है वो डिकम्पोज होगा एंड दे विल गेट मिक्स्ड विद द सॉइल, दे विल गेट मिक्स्ड विद सॉइल, एंड सॉइल के साथ मिक्स होने के बाद व्हाट विल हैपन? दे विल अगेन, दिस सॉइल विल हेल्प द ग्रास टू ग्रो। सो दिस इज हाउ द साइकिल कंटिन्यूज। ईगल के मरने के बाद फिर से ग्रास ग्रो करेगा, ग्रास से ग्रास वापर, ग्रास वापर से बर्ड, बर्ड से स्नेक, स्नेक से ईगल, ईगल ईगल विल डिकम्पोज, फिर से ग्रास बनेगा। दिस इज हाउ द फूड चेन गोज ऑन, ओके। सो वन ऑफ द लिंक इज मिसिंग एंड वॉट इफेक्ट विल इट हैव ऑन द ग्रास वापर? अब यहाँ पे सन है, सन जब अपना लाइट देगा, सनलाइट देगा, तो वो यूज करके प्लांट्स विल ग्रो, राइट। यहाँ पे प्लांट्स आएंगे ना, राइट। तो प्लांट्स जो है वो गायब है ना। अब ग्रास हॉपर एंड बर्ड का इस पे क्या इफेक्ट होगा? बिकॉज द ग्रास हॉपर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। ग्रास हॉपर का खाना क्या है? प्लांट्स है। एंड इफ द प्लांट्स आर नॉट देयर द ग्रास हॉपर विल डाई। ग्रास हॉपर मर गए, इट मीन्स अब बर्ड का खाना कौन है? ग्रास हॉपर। अब ग्रास हॉपर ही नहीं है तो व्हाट द बर्ड विल ईट? तो बर्ड भी डाई हो जाएंगे। बर्ड डाई हो गए, द स्नेक विल नॉट गेट बर्ड्स टू ईट, द स्नेक विल ऑल्सो डाई। ओके, स्नेक गायब हो गया तो ईगल विल नॉट गेट द स्नेक टू ईट एंड द ईगल विल ऑल्सो डाई। सो इफ दिस लिविंग थिंग दे रियली डाइड आउट, वॉट विल बी द थ्रेट टू द एंटायर लिविंग वर्ल्ड? वी कैन से दैट द एंटायर फूड चेन, एंटायर फूड सिस्टम विल गेट डिस्टर्ब्ड एंड आई थिंक सो द वर्ल्ड में एंड अप। बिकॉज हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना अपने खाने के लिए, एंड अगर एक भी चीज़ एक्सटेंट हो रही है तो दैट इज अफेक्टिंग और दैट इज डिस्टर्बिंग द होल चेन, ठीक है। नाउ सी, नाउ वी सॉ दैट एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, बट वॉट इज द नीड टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस? अभी ये सारी चीज़ें देख के हमें ऐसा लग रहा है कि दैट वी शुड टेक केयर ऑफ आर एनवायरमेंट, है ना। हमें नीड भी पता चल गई है कि एनवायरमेंटल बैलेंस रखना क्यों ज़रूरी है। सो ड्यू टू द ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचर, लार्ज स्केल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द एयर, वाटर एंड लैंड। Because humans are inventing one and the other thing in the nature to make their work easy. बहुत ज़्यादा changes आ गए हैं air के अंदर, water के अंदर and land के अंदर, okay? Also, this non-living or abiotic components, they are getting polluted. Non-living and abiotic component. Non-living ही abiotic होते हैं. See, there are two things. Biotic, इनको हम बोलते हैं living. ओके, एंड दूसरा होता है अबायोटिक, जिनको हम बोलते हैं नॉन लिविंग। अंडरस्टूड? सो दिस आर द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, ये भी पल्यूट हो रहे हैं इफ बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आर एनवायरमेंट। सो एज अ रिजल्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग इज थ्रेटन्ड। थ्रेटन्ड मतलब हमारी लाइफ भी रिस्क में ही है एक। वाइल सिवरल लिविंग थिंग्स दे हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटेंट, कुछ लिविंग थिंग तो ऑलरेडी खत्म हो ही चुके हैं। एंड इफ वन फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट इज डैमेज्ड, अगर एनवायरमेंट का एक फैक्टर भी डैमेज होता है तो उससे जो भी रिलेशनशिप रखता है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट विल इवेंचुअली गेट अफेक्टेड एंड द एनवायरमेंटल बैलेंस विल गेट डिस्टर्ब्ड। नाउ लाइक हियर वी सी, प्लांट गायब हो गए तो ग्रास हॉपर विल डाई, ग्रास हॉपर डाई कर जाएंगे तो बर्ड्स विल डाई, बर्ड्स विल डाई देन स्नेक विल डाई एंड ईगल विल इवेंचुअली डाई। तो ये पूरा साइकिल ही डिस्टर्ब हो रहा है सिर्फ प्लांट के गायब होने से। सो वी नीड टू मेंटेन अ रिलेशनशिप एंड वी नीड टू सी दैट ईच एंड एवरीथिंग इन द एनवायरमेंट इज बैलेंस्ड, ठीक है। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम सम ऑफ द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ दे बिकम एक्सटेंट। एक्सटेंट होना आई होप सो दैट यू हैव क्लियर विद द वर्ड नाउ। एक्सटेंट मतलब क्या? खत्म हो जाना, ओके। आई विल राइट योर फिनिश्ड, ओके। बट टूडे दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट अ मच फास्टर रेट, है ना। अब सारे प्रोसेसेस, बिकॉज वी वॉन्ट एवरीथिंग एट आर प्लेस विदाउट डूइंग एनीथिंग, हमने अपनी लाइफ ईजी करने के लिए वी हैव इन्वेंटेड सो मेनी थिंग्स एंड वी आर मेकिंग आर लाइफ ईजी।
विदाउट हैविंग इन माइंड दैट वी आर अफेक्टिंग द एनवायरमेंट. एंड अगर एनवायरमेंट अफेक्ट हो रहा है तो इनडायरेक्टली वी आर गोइंग टू बी अफेक्टेड, राइट? सो दिस प्रोसेस अभी जो एनवायरमेंट को एक्सटिंक्ट, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, दैट इज टेकिंग एट अ फास्ट रेट एंड दिस इज द थ्रेट फॉर द होल लिविंग वर्ल्ड. ये सब किसी एक के लिए थ्रेट नहीं है. थ्रेट मतलब क्या? डर. ओके, थ्रेट. तो सिर्फ ये पूरे लिविंग वर्ल्ड के ऊपर ये एक थ्रेट है दैट एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम. सो वी शुड टेक केयर दैट वी टेक, जैसे हम खुद का ख्याल रखते हैं, वी शुड एटलीस्ट टेक केयर 50% जितना हम अपना ख्याल रखते हैं उतना अगर हमने एनवायरमेंट का रख लिया तो आई थिंक सो एवरी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड विल बी सॉल्व. इफ वन पर्सन, सी, इफ वन पर्सन प्लांट्स 10 to 15 trees in a year, the problem will be solved. So try to just, what you have to do, you just have to take the seeds and aapko seeds dal dena hai soil ke andar and you have to regularly put water to it. Kitna time jayega isme? Not even 5 minutes. We can't do this. Environment हमें इतनी सारी चीज़ें दे रहा है, इतनी सारी facilities दे रहा है, हमें oxygen दे रहा है so that we can survive, हमें खाना दे रहा है, पानी दे रहा है, तो can't we just water the plants once in a day? Yes, we can, right? So we need to make a environmental balance. Okay, now can you see the picture here? It is an Indian cheetah, an extinct animal. एक्सटिंक्ट एनिमल मतलब नाउ चीता इज नॉट देयर इन द वर्ल्ड. सारे चीताज जो है इट हैज बीन एक्सटेंटेड. अब आपको एक भी चीता नहीं देखने मिलेगा. ओके, सो आर नीड्स एंड द एनवायरमेंट. व्हाट आर आर नीड्स? हमें फूड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, राइट? दिस आर द नीड्स ऑफ ऑल द पीपल. वी नीड एवरीथिंग एंड वी यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मीट दिस नीड. हम कितने सारी चीज़ों को यूज करते हैं ताकि हमें ये तीन चीज मिल सके, फूड, वाटर एंड क्लोथ्स, राइट? So beside we use many means and devices for the purpose of studies, sport, hobbies and entertainment. हम अपने entertainment के लिए, अपने studies के लिए, अपने sports के लिए, अपने hobbies के लिए कितना कुछ करते हैं, right? And we even stock up this thing so that they will be available to us whenever we need them. अब हमारे kitchen की बात करें हम, when it comes to stocking तो होती है main kitchen में. If मामा ने आपका कुछ favorite लेके आई है मामा, okay, if she has brought your favorite wafers, what you will do? If she has brought 10 wafers, you will stock them. Ab ek hi din pe to kha nahi jaoge. You will tell mama, I'll eat one today, I will eat one tomorrow, and this is how I will eat it. To aap usko stock karke rakhoge taki jab bhi aapko khana ho, you will have them and you don't have to wait, right? So all these things, from where are we getting these things? We are obtaining this by using the materials which are available in our environment, na? Because agar environment mein plants hame cheeze nahi degi, to hum apna khana kaise banayenge? How we will get the vegetables? How we will get the fruits that are very important for us, right? So all the people in the world, they have similar needs and desires. जितने भी लोग हैं सबकी सेम नीड है. एवरीवन नीड फूड, वाटर एंड क्लोथ्स. कोई ऐसा है क्या जिसको खाना नहीं चाहिए या पानी चाहिए नहीं चाहिए? एवरीवन नीड्स दिस. तो सबकी एक ही नीड है, एक ही डिज़ायर है. एंड एज अ रिजल्ट हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे एनवायरमेंट को डिग्रेड करते चले जा रहे हैं एंड दैट इज टेकिंग प्लेस एट अ फास्टर रेट. ठीक है, एनवायरमेंट को सेव करने के लिए स्टेप्स सिर्फ 3-4 लोग लेते हैं, पर एनवायरमेंट को डिग्रेड करने के लिए स्टेप्स तो 100 to 1000 लोग कर रहे हैं. सो विल इट बी डिग्रेडेड और विल इट बी सेव्ड? यस. सो वी शुड टेक केयर ऑफ आर एनवायरमेंट. नाउ वी नीड टू बी अवेयर दैट वी आरसेल्व्स आर पार्ट ऑफ नेचर. हम नेचर के ही पार्ट है ना. सो इफ द बैलेंस ऑफ नेचर इज डिस्टर्ब्ड, इट विल एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन बींग्स टू. अगर हमने नेचर के बीच का बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया तो एट लास्ट हु इज गोइंग टू सफर? We human beings are going to suffer. So we need to take steps to prevent the degradation of the environment. तो हमें खुद से कुछ steps लेने पड़ेंगे ताकि हम environment को degrade होने से रोक सकें. Okay, and this steps will include using our means frugally and recycling the used material. अब जो भी material use कर रहे हो, you should recycle such कि आप उसको फिर से use कर सको. Okay, and such measures should be practiced sincerely by each and every person. If each and every person puts an eye on this, puts an eye on recycling,
our nature will be saved, our environment will be saved. Okay, now do you know that if the different types of plants and animals, they will become extinct one by one, many of the links in the different food chain will be lost. Now अभी हमने जैसे देखा कि अगर प्लांट गायब हो जाएंगे तो ग्रास हॉपर, फिर बर्ड्स, स्नेक, सब पे उनका इफेक्ट होगा, राइट? तो अगर एक भी प्लांट या एक भी एनिमल खत्म होगा तो हमारा पूरा जो फूड चेन है दैट विल लॉस्ट. एंड मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस विल अफेक्ट द एंटायर लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ एंड द बैलेंस ऑन द नेचर विल कोलैप्स. अब बिकॉज अभी भी इतना डिग्रेडेशन नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, वी आर डिग्रेडिंग द एनवायरमेंट रैपिडली. तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरा जो लिविंग वर्ल्ड है दैट विल बिकम एक्सटेंट, एंड बिकॉज जो बैलेंस है नेचर के बीच में दैट विल कोलैप्स, एंड इफ दैट इज कोलैप्सिंग द लिविंग वर्ल्ड इज इन डेंजर. ओके, वी नीड टू टेक केयर की सी वी हैव गॉट दिस अर्थ ऑन रेंट फॉर आर फ्यूचर जनरेशन. पर हम जिस तरह से सारी चीज़ों को यूज कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन विल गेट ऑल दिस थिंग. ओके, सो वी शुड टेक केयर दैट वी आर यूजिंग एवरीथिंग एक्यूरेटली एंड नाइसली. ओके, नाउ वॉट आर द ग्लोबल एफर्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट. अब हम सबको पता है इतनी सारी चीज़ें एनवायरमेंट के साथ हो रही है, तो देर आर सम ग्लोबल एफर्ट्स. ग्लोबल एफर्ट्स मतलब फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड देर आर सम एफर्ट्स विच आर टेकन फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट. सो सेवरल प्रोजेक्ट्स आर बीन इम्प्लीमेंटेड एट द इंटरनेशनल लेवल टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर. नेचर के बीच में बैलेंस मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कुछ प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया गया है सो दैट we are saving our nature. Then it is important to raise the awareness of people all over the world about the threat to environmental balance. Now abhi why this lesson is there in your textbook, to make you aware ki hum environment ko kis tarah se harm kar rahe hain and how we can protect and save our environment, right? So this is how we are creating an awareness for the people. Aise hi same cheez aapko logo ko batana hai. You have to create awareness in them that we should use our environment nicely, otherwise this thing can happen, the whole living world might extend. Okay, now many countries of the world, they are enacting laws that will help to prevent the pollution of air, water and soil. Kuch countries aise bhi hai jinhone laws la diye hai taki hamara jo air pollution hai, water pollution hai and soil pollution hai, that is being prevented. Okay, because unless and until the government will not enact law, logo ko samjhega nahi, right? So the nature saves us and we have to save it. This is the slogan that we need to follow. The nature is helping you in each and everything that you do. So why can't we save nature and why can't we just have a thought about saving our nature? Yes, we can, right? And we will. See. Now what are the efforts which are used to maintain the biodiversity? Now as I said, biodiversity means living organisms ke andar jo bhi variation hai, that is called as biodiversity, and this biodiversity is very important for us. Okay, so biodiversity park is the first one. Biodiversity park is an area which is reserved for the purpose of protecting and conserving the biodiversity of a region called as biodiversity park. तो बायोडाइवर्सिटी पार्क एक ऐसा एरिया है जिसको हमने ये बना के रखा है सो दैट वी आर प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन. ओके, अब ये पार्क्स में क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी इज बोथ प्रिजर्व्ड एज वेल एज स्टडीड. यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व भी किया जाता है एंड स्टडी भी की जाती है, एंड पीपल विजिटिंग सच अ पार्क एंजॉय बीइंग क्लोज टू नेचर. व्हेन आई आस्क यू at what place you want to go during your vacation, you will just find a place jahan pe greenery ho, fresh air ho, right? So we all love visiting such places, then why can't we plant trees so that we get those things? Kyunki jis tarah se hum apne environment ko use kar rahe hain, we are cutting down the trees, in future we will just daydream of visiting such places because wo khatam ho jayenge, right? So this can lead to more concern for nature. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नेशनल पार्क. आपने सुना होगा नेशनल पार्क. सो दिस पार्क्स आर द एरिया विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बिकॉज दिस आर रिजर्व्ड फॉर देम. दिस नेशनल पार्क आर रिजर्व फॉर देम एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल द काजीरंगा नेशनल पार्क इज वेरी फेमस नेशनल पार्क. द तादोबा नेशनल पार्क इज अनदर नेशनल पार्क विच इज कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग आवर वाइल्ड लाइफ. ओके, next comes the sanctuaries. Now certain forest areas are reserved for the protection and conservation of a particular animal or a plant.
तो कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड कंजर्व करने के लिए कुछ एरियाज को हमने रिजर्व करके रखा है सो दैट पीपल डोंट कम देयर एंड दे डोंट हार्म द एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो इस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी. फॉर एग्जाम्पल दी राधा नगरी सेंचुरी फॉर बाइसन्स, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस सेंचुरी दैट एवरी इंडिविजुअल लव्स टू विजिट. ओके, now see if the plants on the earth are destroyed and the number of animals also fall, that is why it is necessary to protect the plants in the forest, hai na. and if deforestation is stopped, agar humne forest ko cut karna stop kar diya hai and agar humne tree plantation chalu kar diya hai, the animals that depend on the plant will get protection and they will thrive, right? If we are planting the trees, what we are doing, we are protecting the animals and we are protecting the plants, right? Can you see this pictures? Can you see them on the roads? No, right? So these are the efforts which are used, like biodiversity parks banaye gaye hain, national park and sanctuaries are made for such animals so that they can have a safe place to live in. Okay, Mayani lake has formed due to a dam which is built on Chand river in Satara district. Then flamingos from Siberia region in the northern Asia, they migrate to this lake and here they build nest and they lay eggs. So these are the animals that have been migrated, and once the baby birds grow big enough, they return them with the Siberia. So flamingos jo hai wo Siberia se northern Asia se aate hain lake ke paas hi wale. Okay, and yahan pe ye kya karenge, apne jo baby the unko एक नेस्ट के अंदर छोड़ेंगे एंड वंस देयर बेबी विल ग्रो व्हाट दे विल डू दे विल टेक दे विल गो बैक टू सिबेरिया विद देयर बेबीज. ओके, वंस दे ग्रो अप. इन द रिसेंट पास्ट एज द वाटर लेवल इन द डैम हैज फॉलन द फ्लेमिंगोज हैड स्टॉप्ड कमिंग, हाउएवर द लेक हैज नाउ बीन डिक्लेयर्ड एज अ सेंचुरी फॉर बर्ड्स. ठीक है, दिस आर द फ्लेमिंगोज दैट माइग्रेट हियर टू, वेयर डू दे माइग्रेट टू, सिबेरिया. ठीक है, बीच में क्या हुआ था कि जो डैम का पानी था वो कम हो गया था, तो दिस फ्लेमिंगोज दे हैव स्टॉप्ड कमिंग हियर. ओके, सो दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ सेंचुरी फॉर बर्ड्स. नाउ द बिगेस्ट मल्डोक विच इज अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी इन एशिया इज एट नाजान इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट. दिस ह्यूज वेटी बर्ड्स दे आर फेमस फॉर द ग्रेसफुल गाइड and these birds they live in open grassland. Can you see this bustard? Here is a male bustard, and these are very rare animals which you can see. So they feed on insects, thus giving protection to crops in the field. Now we can use them in the crop in the fields where we grow crops, because inka khana kya hai, insects. So agar agricultural land pe insects aayenge to they will eat them, so they are farmers friend. Who are farmers friend? This bustards. Okay, as they are haunted for their meat and their egg, so they give egg and they are being eaten as a meat. Their number is fast dwindling. Dwindling means they are decreasing, because we are eating them as a meat and we want their egg, so their number is decreasing. And the Maharashtra state has declared the Nanaj area a sanctuary for the great Indian bustard. Deer are also found in this grassland. So Maharashtra ne Nanaj area ko ek sanctuary bana diya hai for this great Indian bustard, because they are important for us, right? See, this is a female bustard and a deer. So about 50 km from Pune, on the Pune Ahmednagar highway, the village of Morachi Chincholi is famous for its peacock population. So ye Morachi Chincholi hai village, wahan pe bahut sare peacocks hote hain. So this place is famous for its peacock population, because all the peacock they live here only. Okay, the old well looked after tamarind trees here have been created a favorable environment for the birds. Then the peafowl has found sanctuary in the village. Okay, now Devriya is a boon for all living creature. Okay, Indian culture give importance to the protection of forest, and Devriya is an example. Okay, we Indian culture, we give importance to the protection of forest, but some of the people, for their greed, what they do, they just cut down the forest to build their agricultural land, to have their houses built there. Okay, so people believe that Devriya is really a jungle which is reserved for God. ओके, तो वो क्या बोलते हैं कि देवरिया एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे भगवान रहते हैं. सो नो ट्री और प्लांट इन देवरिया इज एवर कट, बिकॉज दे थिंक दैट गॉड इज देयर, इसलिए वो वहाँ पे एक भी ट्रीज या प्लांट्स को कट नहीं करते. एंड दैट इज व्हाई ऑल द ट्रीज इन देवरिया दे आर सेफ इवन टुडे, एंड महाराष्ट्र हैज मेनी सच देवरियाज. ओके,
ओके इन मध्य प्रदेश दे आर नोन एज शरण वन. ओके देवरियाज गिव शेल्टर नॉट ओनली टू द प्लांट्स बट ऑल्सो टू द एनिमल्स दैट लिव देयर एंड बिकॉज दे थिंक दैट दिस जंगल इज अ प्लेस वेयर द गॉड्स आर लिविंग इसलिए दे आर नॉट हार्मिंग एनी ऑफ द प्लांट और दे आर नॉट हार्मिंग एनी ऑफ द एनिमल्स. ओके सो हेंस देवरिया योर शरणवनास दे कैन बी कॉल्ड एज द सेंचुरीज ऑफ द एशियन टाइम बिकॉज दिस आर द सेंचुरीज जो बहुत पुराने टाइम से है एंड बिकॉज पीपल थिंक दैट कि यहाँ पे भगवान रहते हैं दे आर नॉट हार्मिंग इट और दे आर नॉट कटिंग डाउन द फॉरेस्ट एंड trees there. Okay, so always remember that the nature provide us enough for everyone's need but not for every man's greed. Nature hame sab kuch de raha hai, jitni bhi cheezon ki hame zarurat hai hame nature sab kuch de raha hai. Har ek insaan ko jis cheez ki need hai nature hame sab de raha hai, par nature hame itna bhi nahi de raha ki hum lalchi ho jaye. Okay, greed matlab kya? Lalach. Okay, now what we have learned in this lesson, the environment and us, we studied that there are interrelationship between all living and non-living thing. है ना, हमने देखा कि living thing and non-living thing एक दूसरे से related है, उनके बीच में एक कुछ relationship है, that is very important for maintaining a balance in the environment, right? Then we studied that the different kinds of the plants and animals as well as microorganisms, वो अलग अलग regions में हमें मिलते हैं and we studied about the balance between the cycles of the various gases in the atmosphere. हमने देखा food cycle, water cycle, right? And ये जो चीज़ें हैं ये thousands of years से maintain की गई है because we need to maintain a balance between all the thing. Otherwise we will be at loss. Okay? Then we saw that the pollution of water is a threat to aquatic plants and animals. Aquatic मतलब अगर water pollution हो रहा है तो जो पानी के अंदर जो भी animals रहते हैं they will suffer a lot na, they will die eventually because pani ke andar we are releasing harmful gases and hazardous chemicals. So we shall all have to make efforts to stop the degradation of the environmental balance which are caused by the human interventions. To hame hum sabko effort deni padegi, thodi thodi effort, taki hum jo bhi environment balance ko kharab kar rahe hain hum ya hum humans ke wajah se ho raha hai, we can cover up them all. Okay, Devriyas National Park sanctuaries, they are created for the conservation of plants and animals. Plants and animals ko protect karne ke liye this national park sanctuaries and Devriyas are the place which have been built up. And I think so this is Devriyas is a better concept jahan pe logo ko lagta hai ki yahan pe bhagwan reh rahe hain. So well and good, let every forest be a Devriya according to me, so that koi bhi trees ko cut nahi karega. Right, so we must take care of our environment and the environment will take care of us. So I hope that you have understood the relationship between the environment and between us, how we and environment are related to each other. Right, so we are done with the lesson and I hope that you have understood the lesson properly. Okay, so thank you everyone.